अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास तकरीबन पांच एक चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी चीज़ें बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की, फिर उसके बाद हम उनकी प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पर नहीं हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। या भी अब बहुत सारी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देंगे। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो मस्ट वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करके जाना यार वीडियो पे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तो आप कह लो 35 लाइक्स, हाँ 40 लाइक्स, चलो 40 लाइक्स टारगेट है, 40 लाइक्स आप लोगों ने करने हैं। ये आप लोगों का प्यार है यार, आप लोगों का सपोर्ट है जो कि आप वीडियो आके देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास है दो कुकिंग रेंज, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन विद ड्रायर, ठीक है, और एक आईफोन 7। आज की वीडियो में ये चीज़ें हैं, ठीक है। कुकिंग रेंज एक हमारे पास 12,000 रुपये में, एक 6,000 रुपये में, एक फ्रिज है जो हमारे पास वो है 22,000 रुपये में, वॉशिंग मशीन 15,000 रुपये में विद ड्रायर के साथ, और आईफोन 7 जो है वो हमारे पास 26,500 रुपये में है 32 GB में, ठीक है। ये सारी प्राइस है। अगर आप लोगों को कोई भी प्राइस बजट बनता है इसमें तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख सकते हो। जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए होगी उसका स्क्रीनशॉट लेके जो उसके साथ नंबर होगा उसी नंबर पे व्हाट्सअप सेंड कर देना है आपने, ठीक है, व्हाट्सअप पे सेंड करना है ताकि आप लोगों को मोर डिटेल जो है और ज़्यादा जिसकी है चीज़ उसका नंबर दे दें हम, ताकि आप उससे बात करके चीज़ को परचेज़ कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार अपने कुकिंग रेंज की, जो कि 5 बर्नर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। टॉप ग्लास ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सारे के सारे बर्नर जो हैं वो वर्किंग में है, बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत ही मुनासिब प्राइस में, सिर्फ 6,000 रुपये में सेल हो रहा है लाहौर में। तो भाई लाहौर वाले इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लाहौर में मौजूद है, 20 अप्रैल का ऐड है, तो आज 21 है, ठीक है। ये कल ऐड होगा, मतलब कि 22 तारीख को ऐड हो जाएगा, तो मे बी श्योर नहीं हूँ, ठीक है, 50-50 है, मे बी सेल हो जाए OLX से ही, मे बी आप में से कोई परचेस कर ले, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कुकिंग रेंज है, ये हमारे पास है 12,000 रुपये में, उससे डबल प्राइस में है। मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, मुझे पता हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। दोनों कंपनी का फ़र्क आई थिंक, जो मेरा ख्याल कहता है कंपनी का फ़र्क हो सकता है वो, हालांकि बिल्कुल साफ सुथरा बहुत अच्छी कंडीशन में इससे है, ठीक है। बर्नर ये भी 5 में है, बर्नर वो भी 5 में है, ठीक है। ये 12,000 में डबल प्राइस में उससे सेल हो रहा है। तो आप लोग एक्सीमेट जो एवरेज होती है ना एयर कुकिंग रेंज की, वो 8, 7.5, 7, 7.5 हज़ार रुपये में 5 बर्नर का कुकिंग रेंज मिल जाता है। ये मैंने बहुत सारे, आप वीडियो देखोगे ना मेरी तो आप, मैंने सब वीडियो में तकरीबन इतनी ही प्राइस बोला हुआ है और इतनी ही प्राइस के रेंज में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग परचेस करो। तो ये 12,000 रुपये कह रहा है, तो फिर आ जाके बात वहीं पे मैं आगे करूँगा कि 8,000 रुपये तक मुनासिब है। अब 8,000 रुपये प्राइस लगा के पूछ सकते हो, अगर वो दे दे तो आपको ठीक है। ये भी लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले परचेस कर सकते हैं। देन हमारे पास है फ्रिज जो कि डॉलर्स की आपको देखने को मिल जाती है, और कंडीशन की इसकी बात 8x10 कंडीशन में आपको देखने को मिल जाती है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रिज में। फिर भी अपनी मतलब कि तसल्ली के लिए आप लोगों को एक बेस्ट मशवरा ये दूंगा कि अगर आप फ्रिज चेक करने जा रहे हैं, मतलब कि लेने जा रहे हैं, तो उसको अगर वो कूलिंग में है, मतलब कि अगर चल रही है तो ठीक है, आपको कूलिंग का जाके पता चल जाएगा। अगर नहीं चल रही तो उसको ऑन करवा लें ताकि आपके जाने तक उसकी कूलिंग का आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कूलिंग कर रहा है फ्रिज, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी को अपने ऐसे बंदे को साथ लेके जाएं जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता हो, ताकि अगर आप चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो, ठीक है। ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ताकि यार मैं नहीं चाहता आपके पास कुछ पैसे हों वो भी आपके मतलब के ज़ाया हो जाए, ठीक है। इसमें एक और अभी अभी मैं वीडियो बनाते बनाते मैंने नोट किया,
ये शायद इधर जैसे ऊपर हैंडल लगा हुआ है ना, मतलब कि खोलने के लिए, ठीक है, वो नीचे भी मेरे ख्याल से लगा होगा। जैसे ये दो निशान नज़र आ रहे होंगे आपको, अगर आप वीडियो स्टॉप करके देखोगे तो आपको नज़र आएंगे। अब ये पता नहीं लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, ये आपको पता चल सकता है, उनसे पूछ लीजिएगा, या आप दूसरी ऑप्शन, या उनसे मॉडल पूछ लेना, तो आप मॉडल गूगल करेंगे तो इसकी तस्वीरें निकल आएंगी, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। ये इस टाइम 22,000 रुपये का सेल हो रहा है, ठीक है, रावलपिंडी में मौजूद है, तो रावलपिंडी वाले परचेज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है हायर की वॉशिंग मशीन, जो कि कंडीशन वाइज 10x10 है, बॉडी की कंडीशन भी 10x10 है, बेहतरीन है। वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों चीज़ें चलने में भी A1 है, बहुत कम, मतलब कि मेरे ख्याल से यूज़ हुई है, माइनर सी यूज़ की गई है, तो लगभग न्यू ही आप कह सकते हो। मॉडल मैंने इसका रिसर्च किया था, HWM, आप भी कर सकते हो, HWM80AS, ठीक है, आप लिखेंगे तो इसका मॉडल निकलेगा। लगभग 22,000 रुपये में ये न्यू मिल रही है, तो हायर वॉशिंग इसके साथ भी विद बॉक्स आपको दे रहा है, ये 15,000 रुपये की सेल का रहा है। कुछ ना कुछ अगर 22,000 रुपये की, वैसे 25,000 रुपये की है ये सेल लगी हुई थी द्रास पे, वहाँ पे मैंने देखी थी, ये 22,000 रुपये में मिल रही थी, मतलब कि 3,000 रुपये आपको वहाँ से भी लेस मिल रही है। अगर आप मार्केट जाके भी परचेस करते हैं, 3-1,000 रुपये आपको वहाँ से भी लेस मिल ही जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये 15,000 रुपये में सेल हो रही है, 7,000 रुपये का फ़र्क ये डला, ठीक है, चीज़ न्यू ही है, बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ है। तो 2,000 रुपये अगर आप अपने से छुड़ा लें, तो 10,000 रुपये का तकरीबन फ़र्क डल सकता है, ठीक है, बस थोड़ा सा माइनर सा यूज़ हुआ हुआ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, A1 है। फिर भी आप लोगों ने अपनी तसल्ली करनी है, जाके देखनी है, चेक करनी है, चला के चेक करनी है, लीक की चेक करनी है, हर चीज़ की आप तसल्ली करेंगे। तो इस टाइम ये फैसलाबाद में मौजूद है, 15,000 रुपये मांग रहे हैं, फैसलाबाद वाले परचेज कर सकते हैं। देन आखिरी नंबर पे है हमारे पास iPhone 7, जो कि 32 GB में मौजूद है, ठीक है, आईफोन की कंडीशन 7x10 है, ठीक है, बॉडी वाइज कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वैसे चलने के लिहाज से मोबाइल ऑल ओके है, नो एनी फॉल्ट, बैटरी हेल्थ जो है इसकी तकरीबन 76% है, ठीक है, और रेट जो है भाई वो फिक्स है, 26,500 फिक्स रेट है, 32 GB में दे रहा है ये, ठीक है, iPhone 7 32 GB में मौजूद है, और मेरे ख्याल से इसके साथ एक्सेसरी कोई नहीं है, शायद केबल कुबल आपको दे दे, और कोई इसके साथ चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। ये मियाँ चन्नू पंजाब में मौजूद है, iPhone 7 32 GB में है, और इसके साथ एक्सेसरी का आप पता कर लेना, और सिर्फ मोबाइल, मेरे ख्याल से सिर्फ मोबाइल ही होगा, ज़्यादातर मोबाइल ही होता है, हर चीज़ के लिहाज से ओके है, फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें उसके कहने के मुताबिक ओके हैं। तो मियाँ चन्नू में अगर किसी को चाहिए तो वो परचेज इसको कर सकता है, 20 अप्रैल का एड है, 26,500 रुपये इसने मांगा हुआ है, प्राइस फिक्स है, मतलब कि इससे कम नहीं करेगा, मे भी शायद 25,000 रुपये तक भी आपको दे दे। तो आज की वीडियो में थी ये चीज़ें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को मस्त लाइक शेयर, चैनल पर नहीं है चैनल करें सब्सक्राइब, कोई भी चीज़ चाहिए कमेंट्स करें, प्राइस लिखें, अपनी सिटी का नाम लिखें, चीज़ का नाम लिखें, ताकि हम आपको आपकी सिटी में चीज़ देख के दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।